और ये एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही है। सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मारा गया आतंकी पाकिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। लश्कर का कमांडर है और स्नाइपर बताया जा रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सुरक्षा बल के, जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल से ही ये ऑपरेशन जारी है। जैसे ही टिप मिलती है, सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते हैं और किस तरीके से मुठभेड़ कल से ही देख रहे हैं हम लोग। और आतंकी और सेना के बीच में ये मुठभेड़ होती है, जिसमें आज सेना के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। एक आतंकी ढेर हो गया है। हालांकि इस पूरी मुठभेड़ में हमने भी अपने जवान को शहीद होते देखा। बड़ी बात यह है, लश्कर का एक बड़ा आतंकी बताया जा रहा है ये। और राजौरी के इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी सुरक्षा बलों को लगी थी, जब इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई और उसके बाद एनकाउंटर में आखिरकार लश्कर का वो आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त आ रही है ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर। राजौरी के बाजीमाल इलाके को सुरक्षा बल ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से सेना के जवानों पर फायरिंग की। राजौरी कालाकोट के जंगलों में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो पर सेना के जवानों ने कमर कसी हुई है, क्योंकि चार शहादतें अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन इसका बदला भी जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर आतंकी जो है इसी इलाके में छुपे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि आतंकी कल यहाँ पर किसी के घर में थे और पिछले तीन दिन से वो एक गुजर बकरवाल के घर में मदद मांग रहे थे, लेकिन एक हद तक ही बकरवाल ने मदद उन आतंकियों की। उसके बाद उन्होंने सेना और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद वहाँ पर सेना के जो अधिकारी हैं और जवान हैं वहाँ पर मौके स्थल पर पहुँचे, जहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद चार शहादतें हुई। तो राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो अधिकारी कैप्टन शुभम गुप्ता और कैप्टन एमबी प्रांजल शहीद हो गए। वहीं तीन जवान घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो हमने जवानों को खोया है, कैप्टन को खोया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गम का माहौल है और सुरक्षा बल शहादत का बदला लेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमें कामयाबी मिली है। एक आतंकी लश्कर का मारा गया है। तो राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो अधिकारी कैप्टन शुभम गुप्ता और कैप्टन एमबी प्रांजल शहीद हो गए। हमारे तीन जवान भी घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है और ये अपने परिवार के साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और नहीं बचेंगे कायर आतंकी। हमने देखा है कि शहादत का बदला लिया गया है। लगातार वहां पर मुठभेड़ जारी है। राजौरी इलाका जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है, ऐसे में अभी जो हमें कामयाबी मिली है उसमें एक आतंकी लश्कर का मारा गया है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बल की मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के अलावा दो जवान भी शहीद हुए और इनके नाम बताए जा रहे हैं लांस नायक संजय बेस्ट और हवलदार अब्दुल मजीद। हवलदार अब्दुल मजीद जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले थे और उन्होंने भी किस तरीके से लोहा लेते हुए कल अपनी जान गंवा दी। शहीद लांस नायक की तस्वीर आप देख रहे हैं, संजय बिष्ट जिनकी तस्वीर आपके सामने है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। आज बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन कल हमने अपने चार जवानों को खो दिया। दो अधिकारियों के अलावा दो जवान भी इस मिशन में शहीद हुए हैं, लांस नायक संजय बिष्ट और हवलदार अब्दुल मजीद, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन खास बात यह है कि लश्कर का एक बड़ा आतंकी भी इस मुठभेड़ में मारा गया है और लगातार इसी तरह की कोशिश और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सेना और आतंकवादियों के बीच एक दिन पहले से मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकी तीन दिन से बाजीमाल इलाके में छिपे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक बकरवाल को से खाने की मांग की। जब उसने खाना देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद लोगों को उन पर शक हुआ कि वो लोग वहां के रहने वाले नहीं है। तब इसकी सूचना सुरक्षा बल को दी गई और उन्हें आतंकवादियों के वहां छिपे होने की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। पांच तस्वीरें आपके सामने हैं। राजौरी में अभी भी मुठभेड़ जारी है। लश्कर का एक आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ का आज दूसरा दिन है। हमने दो अफसर समेत चार लोगों को खो दिया है।
दो आतंकवादियों को घेरा हुआ है, तीन जवान घायल है और शहादत का बदला लिया जाएगा। इसमें क्योंकि बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, एक तो बड़ी वारदात को रोका गया है सुरक्षा बलों द्वारा, और हमने देखा है कि अगर हम देखें इस साल तो आतंकी घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन जिस तरीके से अभी यहाँ पर क्योंकि लोकल लोगों का सपोर्ट भी ये लेते हैं, और ये जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुठभेड़ शुरू होती है, कैसे वहाँ पर स्थानीय लोगों को शक होता है कि ये आतंकी हैं, उसके बाद पूरे इलाके को सेना घेरती है। राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बल ने अब इस पूरे इलाके को घेर लिया है। लोगों के घरों के बाहर भी सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं और आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक दिन पहले बुधवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू होती है और इस एनकाउंटर में आतंकियों से लोहा लेते वक्त सेना के दो अधिकारी और दो जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। जानकारी के माने तो आतंकियों ने ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल किया, यानी कि कैसे इन्हें सरहद पार से ये हथियार अवेल कराए जा रहे हैं। और खास बात यह कि 5 दिन पहले भी राजौरी में सेना की मुठभेड़ आतंकियों के साथ हुई थी और लगातार आतंकियों को यहां सुरक्षा बल ने घेर लिया था। उस दौरान भी जब 5 दिन पहले ये मुठभेड़ होती है तब दो आतंकी भाग गए थे और आज कल से हम फिर से मुठभेड़ देख रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि दो आतंकी छिपे हुए हैं जिनमें से एक मारा गया। और जिस आतंकियों की सुरक्षा बल ने राजौरी में बाजीमल इलाके में घेराबंदी की है, ये वही आतंकी हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। 5 दिन पहले हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था, यानी कि ये कहानी 5 दिन पहले शुरू होती है, दो आतंकी तब भाग जाते हैं, आज एक आतंकी ढेर हो गया लेकिन एक की अभी भी तलाश। तो राजौरी के बाजीमाल इलाके में रिहायशी इलाके पर भी सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। आतंकवादियों की तरफ से रात भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही, सेना ने इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। राजौरी के बाजीमाल इलाके में पिछले 23 घंटों से लगातार मुठभेड़ चल रही है, छुटपुट छुटपुट फायरिंग जो है वो देर रात चलती रही। हालांकि शाम ढलते ही फायरिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस समय भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तस्वीरों में तो राजीव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, वहां पर आसपास लोगों के घर भी हैं। हालांकि लोग जो थे वो डरे सहमे थे, रात भर जो फायरिंग की आवाज़ें भी उन्होंने सुनी वो डर के माहौल में उन्होंने रात गुजारी है, लेकिन चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए हैं, जिस तरीके से आप देखें यहाँ पर किस तरीके से रिहायशी इलाकों के हर घर के बाहर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात खड़े हुए हैं। लेकिन इस 23 घंटों से चल रहे इस लगातार ऑपरेशन में दुखद बात यह है कि दो अफसरों और दो जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपनी जान गंवाई है, लेकिन हर एक जो ऑफिसर है उनका यही कहना है, सेना के जो जवान है उनका यही कहना है कि हमने कमर कसी हुई है, इन 4 शहादतों का बदला जो है वो लेंगे। आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके के बाहर हम खड़े हैं और जिस जगह पर ये इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पर आसपास भी वहाँ पर लोगों के घर हैं। और सबसे बड़ी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ये जो आतंकी हैं ये ऑटोमेटिक हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग जो है ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उनके ऊपर की है, जिसकी वजह से जो एक अफसर है उनकी छाती पे गोलियां लगी हैं, उनका बचना मुश्किल हो गया था। उसी स्पॉट पे ही जो सेना के एक अधिकारी थे वो स्पॉट पर ही एनकाउंटर के टाइम जो है वो शहीद हो गए। तो ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जो आतंकी जो है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है सेना की तरफ से कि एक आतंकवादी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसको गोलियां लगी है, वो जख्मी हालत में इसी जंगल में है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला। लेकिन छुटपुट छुटपुट फायरिंग देर रात होती रही, फिलहाल फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है और सर्च ऑपरेशन